नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु त्रिपाठी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में। आपको बताना चाहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम के महाराज, जिनको अक्सर लोग गुरु जी के नाम से जानते हैं, पर्चे में छपी हुई बातें आखिर वो कैसे लिख लेते हैं दूसरों का चेहरा देखकर। दोस्तों, प्यारे मित्रों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आज भी हमारे हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे बाबा हैं जो वाकई में सच का उजागर करते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री, अगर किसी को भी वो देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन की बात को अपने पर्चे पर लिख देते हैं। इसीलिए हर नेता को डर लगता है इनके पास आने में। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनके पास नहीं जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें डर सताता रहता है कि कहीं उनका सच उजागर ना हो जाए। इसलिए उन्हें डर लगता है बागेश्वर धाम सरकार से। मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहूंगा, बागेश्वर धाम छतरपुर यानी मध्य प्रदेश के छतरपुर से कुछ किलोमीटर दूरी पर है। वहां पर जाने से आपकी कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। वहां पर जाना है अगर आपको, जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने YouTube चैनल पर और Google पर लोगों को अर्जी लगाने की प्रक्रिया बताई थी, अगर आपको नहीं पता है तो जान लो कि आप घर में बैठकर भी अर्जी लगा सकते हैं। एक नारियल के ऊपर लाल कपड़ा रखकर यानी लपेटकर उसे अपनी पूजा की अलवारी में रख सकते हैं। अपने मन की जो अर्जी है बागेश्वर धाम का नाम लेकर उसे रख सकते हैं। और जब भी आपका बागेश्वर धाम जाना होता है, वहां पर एक वृक्ष में बांधकर आपको चले आना होता है। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं बागेश्वर धाम में आपको मिल जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि अगर आप बागेश्वर गए होंगे तो जरूर वहां के बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं गए हैं तो एक बार जरूर जाइए। अगर आपको कोई मानसिक प्रॉब्लम है या घर में कोई समस्या है, भूत प्रेत की बाधाएं हैं, ऐसी कई समस्याओं के लिए बागेश्वर धाम सरकार की शरण में जाइए और वहां पर जाकर के दर्शन करिए। अपनी मन की मुराद को बोलिए, बागेश्वर धाम अवश्य पूरी करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है और भरोसा भी। तो एक बार प्यार से बोलिए, बागेश्वर धाम सरकार की जय। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर बागेश्वर धाम की सरकार की महिमा का दूर दूर तक पहुंचाने का कष्ट करें। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को शेयर करेगा, बाबा की सदैव कृपा उस पर हमेशा बरसती रहेगी, क्योंकि हम भी बाबा के भक्त बनकर उनके प्रचार प्रसार को कर रहे हैं। इसलिए आप सभी सहयोग करें और इस वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर जाने से आपके सारे जितने भी आपके सर पे दर्द हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। जय बाबा की, जय जय सियाराम।